नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मम्स ब्यूटीफाइड होम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस शुभ अवसर पे हम सभी अपने घर को बहुत सुंदर से सजाते हैं, पर चीजों की सुंदरता तभी दुगनी होती है जब आप अपने घर को अपने हाथों से बनाए हुए चीजों से सजाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसा DIY शेयर करूंगी जिसे आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, घर पे बहुत सारा शादी का कार्ड इकट्ठा हो जाता है जिसे हम आसानी से डिस्कार्ड कर देते हैं। तो एक ऐसा कार्ड ही मैंने लिया है जिस पे मैं लोटस ड्रॉ करूंगी। मैंने यहाँ पे 3 कलर के शादी का कार्ड लिया है, येलो, ऑरेंज एंड पिंक। तो पहले पेंसिल से अच्छे से लोटस को ड्रॉ कर ले। मैंने इस शेप को गूगल में सर्च करके ड्रॉ किया है। आप चाहे तो खुद से भी कोई शेप बना सकते हैं। तो मैं सारे कार्ड्स को लोटस के शेप में ड्रॉ करके कट कर लिया है। अब मैं सारे लोटस के आउटलाइंस को ड्रॉ करूंगी। इसके लिए मैंने ले लिया है गोल्डन कलर। आप चाहे तो कोई मेटालिक दूसरे कलर से भी इसे कलर कर सकते हैं, पर गोल्डन इस पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सारे कटआउट्स पे लगा लिया है रंग और अब इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब मैं एक लटकन बनाऊंगी, तो उसके लिए ऊल को इकट्ठा करके नॉट बांध लिया है और एक तरफ कट कर दिया है। अब सारे कटआउट्स को फ्लिप कर दूंगी, यानी कि उल्टा करके इसके पीछे लगाऊंगी रिबन। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का रिबन ले लिया है और पीछे सेलो टेप के मदद से लगा लिया है। अब इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। तो इसे दोबारा फ्लिप करके लगाएंगे मोती और जो छोटा छोटा मिरर आता है उसको भी स्टिक कर देंगे। जब मिरर अच्छे से लग जाए तो ग्रीन कलर पॉम्पम बना के हर लोटस के नीचे लगा देंगे और एकदम नीचे लगाएंगे लटकन। अब थोड़ा सा और इसे डेकोरेट कर देंगे और देखिए, ये दिवाली वाला वॉल हैंगिंग डेकोर रेडी है। नेक्स्ट बनाएंगे तोरण, वो भी घर पे पड़े हुए चीज़ों से। तो कार्टून को मैंने इक्वली स्क्वायर करके कट कर लिया है, 4 पीस लिया है मैंने। फिर 2 तरह के जरी के रिबन ले लिया है, देन लिया है घर पे पड़े हुए जो पुराने चूड़िया है वो, और ये 4 कार्टून के पीसेस लिया है। बेटी का एक डिस्कार्टेड ड्रेस जहाँ पे सुंदर एक फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है और कुछ उल से पॉम्पम्स बना लिया है। अब कपड़ों पे जितना भी फ्लावर्स है उसे कट कर लिया है। नेक्स्ट इसे कार्टून के पीसेस में लगा देंगे और यहाँ पे मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है जिससे कपड़ा अच्छे से स्टिक हो जाता है। देखिए कितना सुंदर ये प्रिंट दिख रहा है अभी। तो इस तरह सा 4 मैंने बना लिया है और इसके पीछे वाले पोर्शन पे मैं शादी का कार्ड जो है उसे स्टिक कर रही हूँ। अब जो चूड़िया मैंने लिया था उसको मैं उल से रैप करती जाऊंगी। तो इसी तरह मैंने सारी चूड़ियों को रैप कर लिया है कलरफुल उल से और इस तोरण को मैं बहुत कलरफुल बनाऊंगी। तो उसके लिए मल्टी कलर का यूज किया है और लिया है डिफरेंट टाइप्स के छोटे छोटे मिरर्स। अब इन मिरर्स को मैं स्टिक करूंगी कपड़ों पे जहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। मिरर्स को चिपकाने के बाद लगाएंगे कलरफुल पॉम्पॉम्स। अब जो चूड़ियों पे मैंने वूल रैप करके रखा था उस पे अब जरी से रैप करेंगे। देखने में ये कुछ हद तक व्हील जैसा लगेगा। उसके बाद इन चूड़ियों पे स्टिक करूंगी मल्टी कलर के पॉम पॉम्स। अब सारे एक्सेसरीज जो है रेडी हो चुका है, इसे फाइनली रिबन के नीचे रख के एक बार ट्रायल दे देंगे। अब बड़े वाले रिबन के 2 साइड में लूप बना देंगे ताकि इसे आसानी से हम दरवाजे पे लटका सके। अब जितने भी ऑर्नामेंट्स हमने बनाए थे उसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे मोती और फाइनली इसे
रिबन पे स्टिच कर देंगे। और पीछे वाला जो कार्ड का सेक्शन है वो थोड़ा खाली खाली दिख रहा था, इसलिए मैंने इस तरह का स्टोन स्टिक कर दिया है। और फाइनली ये रेडी हो चुका है। और लास्ट में बनाएंगे उड़ली, और इसे हम बनाएंगे मिट्टी के थाली और दिए से। दिया को थाली पे स्टिक करने के लिए मैंने लिया है एमसील। तो एमसील के पैकेट से मैंने दोनों प्रोडक्ट को इक्वली अमाउंट पे ले लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस एमसील से सारे दिया को मैं थाली के चारों ओर लगा दूंगी। अब इसे 3-4 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए नीचे थोड़ा सा सपोर्ट दे के छोड़ रही हूँ। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा ब्लैक एक्रिलिक से इसे कलर कर दूंगी। अब इस उड़ली को मेटालिक फिनिश देने के लिए बर्जर सिल्क क्लैम आर्ट को यूज़ करूंगी, जो गोल्डन कलर में है। तो दो फ्लैट ब्रश से मैं इसको कलर करते जाऊंगी। और देखिए इसका फिनिश जो है पूरा मेटालिक आ चुका है। और बनके रेडी है हमारा बहुत सुंदर सा एक उड़ली। सो फ्रेंड्स, इस दीपावली आप अपने घर को अपने हाथों से बनाए हुए चीज़ों से सजाइए। और कौन सा DIY आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए। और भी अमेजिंग DIYs के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। मिलती हूँ आप सबसे और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी एंड सेफ दीपावली।